वेलकम। यहाँ पर बहुत सारी बंजारा ने बैठी हुई है, ईदी की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये चुरंगी हमने क्रॉस करनी है। चुरंगी क्रॉस करके सीधा गरीबाबाद से होते हुए यहाँ से सीधा होते हुए हम घर की जानिब। खुशगवार मौसम, शाम का टाइम, रात होने वाली है, शाम हो चुकी है, 7 बज चुके हैं और अब देखते हैं कि हमारे घर पहुंचने तक रात का कितना पहर गुजर जाता है, यानी कि शाम का टाइम जो है ना कितना गुजर जाता है। ये एक लेडीज मोटरसाइकिल चला रही हैं जो कि बहुत खुश आइन बात है कि जो अपना काम खुद करती हैं, इनको जो है ना अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये अब जा रहा है सीधा लियाकताबाद अंडरपास की तरफ। हेडलाइटें जल चुकी हैं, इसका मतलब है शाम ख़त्म, रात शुरू। कैमरे की सेटिंग मैंने ऐसी की है कि रात में जो है ना थोड़ा सा दिन का समान लगे, तो ऐसा ही नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन ये तो रात होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि रात की सेटिंग मैंने की है इसकी कैमरे की, कि रात में नाइट सेटिंग जो होती है इसकी, रात की सेटिंग जो होती है इसकी ना, जो कैमरे के अंदर इसकी सेटिंग का बटन होता है वहाँ से, ताकि रात के टाइम, शाम के टाइम, अंधेरे के वक्त जो है ना ये रोशनी ज़्यादा दे। तो आगे अंडरपास सिविक सेंटर, नेशनल स्टेडियम उल्टे हाथ पे, नुमाइश 380 यूटर्न मार के सोहरावगोट एयरपोर्ट भादराबाद भी यहाँ से आएगा। ये देखें कैसे नोट करके गया ये। खुश्क हो चुका है और अंडरपास आ चुका है। लाइट जला दो। लाइट तो बिल्कुल येलो कलर का हो गया यार निशान। येलो कर रहा है, ब्लू कर रहा है, वाइट कर रहा है, ये कौन सी सेटिंग करती को दोस्त?
अब्दुल कुदूस मुगल, ये कौन सी सेटिंग कर दी उन्होंने? बस यार कर दी यार, तो तेरे को नहीं पता था यार? मेरे को पता तो था, लेकिन मैंने फिर भी जो है चेक करने के लिए जो है ये सेटिंग की है। अब देखो अल्लाह मालिक है, ये रोड ख़राब है, इधर से आराम से गुजर, फिर बाद में बात करते हैं। हाँ जी, क्या बोल रहा था? सामने अंडर पास आ रहा है। हाँ आ रहा है यार। कौन सा है यार? ये फरीद साबरी वाला है मेरे ख्याल से, गरीबाबाद वाला ना मेरे ख्याल से, वो वाला है ये अंडर पास। चलो देखते हैं यार, ये कौन से क्या लगा हुआ? ये लगा हुआ है एड चल रहे हैं, यानी कि पब्लिसिटी हो रही है। शहीद फरीद अमजद साबरी वाला अंडर पास है, ये पब्लिसिटी हो रही है। अच्छा जी, ओह कितनी तेज रोशनी चली गई। होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या सेटिंग है। अभी तो फिलहाल जो है ना कभी अंधेरे में से गुजर रहा हूँ, यानी कि अंडरपास से गुजर रहा हूँ, और कभी जो है ना दिन में आ रहा हूँ। तो आ गया गरीबाबाद, उल्टे हाथ पे भंगोरिया टाउन, भंगोरिया टाउन, और सीधे हाथ पे गुंधानी कलोनी, और सामने जो है ना दियारी एक्सप्रेस वे। जब इस एरिया में आओ ना तो ज़रा मोटरसाइकिल स्लो कर दो, क्योंकि यहाँ पे खड्डे बहुत हैं। अब आप किसी भी खड्डे में जो है ना आपकी मोटरसाइकिल जा सकती है, और कमर में दर्द शुरू हो सकता है आपके। एक तो मोटरसाइकिल चला चला के जो है ना, ये अल्लाह भला करे, पट्ठे जो है ना बहुत थक गए हुए मेरे, यानी कि जाम हो गए हुए। अगर कोई डॉक्टर देख रहा है मेरी वीडियो तो मुझे बताया, जैसे नहीं पट्ठे होते ये गर्दन के बराबर में जो पट्ठे, दोनों पट्टे जो है ना जाम हो गए हैं। जाम से मुराद ये कि वो अकड़ गए हैं। एक तो होता है ना नरम गोश्त, नहीं वो अकड़ गए हैं। अकड़ में वो उसकी अकड़ ख़त्म करने के लिए जो है ना, अगर कोई डॉक्टर कोई देख रहा है, कोई माना हुआ डॉक्टर, कोई चैम्पियन डॉक्टर, कोई सर्टिफाइड डॉक्टर देख रहा है, तो वो मुझसे रब्ता करके मुझे बताएं कि मैं क्या चीज़ इस्तेमाल करूँ कि ये पट्टे जो है ना नरम हो जाए, यानी कि पट्टों का दर्द दूर ख़त्म हो जाए। मैं जान के इस जगह पे आया हूँ कोने पे, ये यहाँ पे जो है ना हिरोंची बैठे होते हैं, ये देखें ये रहा, ये रे लगे में लगे पड़े कोई चीज़ काट रहे हैं ये लोग, ये देखें ये लगे पड़े, ये देखें। इस टाइम पे जो है ना ये लोग बहुत होते हैं, इनकी रात की फ्लाइटें जो है ना अभी निकलेंगी, अभी ये पेट्रोल भर रहे हैं। ये हमारे जम्बू जेट हैं। अच्छा एक और बात भी है कि आपको अगर दिन के अंदर मजदूर मिलते हैं ना, ये देखें मजदूर नहीं मिलते ना, तो बंदा इनसे मजदूरी करवाए, बड़े खतरनाक मजदूरी करेंगे यार ये लोग। अगर एक शख्स जो है ना 40 किलो का वजन उठा सकता है ना, तो ये जो याजूज माजूज, ये जो कौम है ना, ये वाली पाउडरियों की, ये लोग जो है 40 किलो का नहीं, 3 मन का जो है ना सरिया उठा के भी जो है ना इधर उधर कर लेंगे। ऐसे खतरनाक मजदूर हैं ये लोग, इनको बोलोगे तेरे को यार इतने पैसे देंगे, आप 2000 रुपये दिहाड़ी देते हो ना, 2000-3000 जो भी है मजदूर को, जो भी दिहाड़ी है ठीक है, आप इनको जो है ना, इनको अगर बोलो कि आपको 500 रुपये देंगे, आपने 6-7 घंटे काम करना है, और ये आपको जो है ना 500 रुपये मिलेंगे, ये लोग ऐसा काम करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि ठेकेदार भी जो है ना बोलेगा कि यार क्या मजदूर लेके आया यार, ऐसी मजदूरी करेंगे। ये क्या कर रहे हैं
सामने कारसाद वाला रोड आ रहा है, यानी कि नेशनल स्टेडियम वाला। रोड यहाँ पे जाम है, स्टेडियम। और नेशनल स्टेडियम के ऊपर लोग चढ़े हुए मेरे ख्याल से काम करने वाले ना, वो शायद छतरी वतरी कोई कुछ डाल रहे हैं ये ना, तो इसके ऊपर जो ना वो कर रहे हैं, वो देखें वो चढ़े हुए हैं। गुजारिश है उन लोगों से जो थोड़ी ज़्यादा एज उम्र के हैं और वो जो अपनी फैमिली को साथ लेके जा रहे होते हैं, कि पीछे कोई फैमिली बैठी होती है और आगे बच्चे बच्चे बैठे होते हैं, उनसे गुजारिश है कि मोटरसाइकिल थोड़ी स्लो चलाएं, क्योंकि खड्डे बहुत हैं कराची के, जगह जगह पर जो है रोडों के ऊपर खड्डे हैं, जिसकी वजह से कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए आपको मोटरसाइकिल स्लो चलानी है, यानी कि खड्डे के खड्डे में जब गिरता है। अभी पिछले दिनों नहीं, नागन के पास पता नहीं कौन सी जगह है, वहाँ पे वो औरत और बच्चा वो गटर में गिर गए थे, वो नाले में गिर गए थे मोटरसाइकिल सवार के साथ। अफसोसनाक वाक्य हुआ था। तो भाई गुजारिश है कि मोटरसाइकिल साफ रोड मिल जाए तो थोड़ा सा भगा लो, इतना नहीं बस नॉर्मल, जितना आप मोटरसाइकिल को काबू कर सको कि यार मैं इसको काबू कर सकता हूँ, इतना।
भी खड्डे आते हैं। ये कारसाज का जो ब्रिज है जो शाहरा फैसल की तरफ उतर रहा है, इस रोड पे भी जो है ना आपने एहतियात से चलानी है क्योंकि यहाँ पर भी खड्डे होते हैं चढ़ने से पहले। और एक ब्रिज, ये ब्रिज के ऊपर चढ़ने के बाद जो ना एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर ऐसे रोड ऊपर बना हुआ है थोड़ा सा, जिसकी वजह से गाड़ियाँ ये उछलती हैं। ये देखना, ये 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 उछलती हैं। पेट्रोल ख़त्म हो गया भाई मेरा। बस पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल पंप करीब ही है लेकिन फिर भी पेट्रोल पंप तक जो है ना इजाज़त चाहेंगे। चौक खींची तो स्टार्ट हो गई है गाड़ी, आ गया पेट्रोल। चले दोस्तों, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।